आदरणीय अनुभव आज 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्मतिथि और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्मतिथि का अवसर है। पूज्य बापू के आदर्शों पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में शुचिता ला करके दिखाई, उच्च पद पर विराजमान होकर के भी पूज्य बापू के द्वारा इंगित आदर्शों को जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी ने व्यवहार में उतारे, वे अपने आप में इस देश के शासकों के लिए, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हरेक के लिए एक प्रेरणा रूप है। पूज्य बापू पोरबंदर की धरती पर जन्म लिया, यह स्थान सिर्फ एक व्यक्ति का जन्म देने वाला स्थान नहीं है, लेकिन यह स्थान एक युग को जन्म देने वाला स्थान है। यहीं पर एक युग का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। आज विश्व 2 प्रमुख समस्याओं के साथ संकट में के घेरे में है। एक है आतंकवाद, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। अगर पूज्य बापू के जीवन की ओर देखें, उनके विचारों की ओर देखें, तो उन दोनों समस्याओं का समाधान पूज्य बापू के जीवन और आदर्शों में पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पूज्य बापू ने जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात कही थी, वह ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति का शोषण न करते हुए प्रकृति के साथ प्रेम करते हुए अगर जीवन को बिताया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का कभी संकट नहीं आ सकता। हमें जितना अधिकार है उतना ही हम उपयोग करें तो हम कभी भी प्रकृति के साथ संघर्ष में नहीं आएंगे। पूज्य बापू साबरमती के तट पर थे और उस जमाने में साबरमती 12 मास भरी हुई रहती थी। उसके बाद भी पानी का व्यय कोई करता था तो पूज्य बापू वो रोकते थे। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो लोग इस कीर्ति मंदिर के दर्शन के लिए आए उनको जरूर पीछे उनके घर में 200 साल पुराना जो जल संग्रह का की व्यवस्था है उसे जरूर दिखाना चाहिए कि उस जमाने में भी जल संचय के लिए, जल संग्रह के लिए हमारे समाज जीवन में किस प्रकार से इन गुणों को आविष्कार किया हुआ था हमारे पूर्वजों ने, और यहां से उसकी प्रेरणा मिल सकती है। और इसलिए प्रकृति की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, ये पूज्य बापू ने जीवन भर जी करके हमें सिखाया, और वही हमें ग्लोबल वार्मिंग से मानव जात को बचा सकता है। उसी प्रकार से आतंकवाद, आतंकवाद के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ेगा? मानवता का धर्म ही मानव को आतंकवाद से बचा सकता है। मानवतावादी शक्तियों को जितना हम उभारें, जितना उसे बल मिले, उतना ही आतंकवाद का वो दरकिनारे होते जाएंगे और उनको कोई बल नहीं मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम, इसी धरती का विचार, जिस धरती के विचार से पूज्य बापू ने दुनिया को आदर्श दिए थे, वो धरती का विचार ही है जो सबको साथ लेने का सिखाता है। सर्वपंथ संभवा, यही धरती का विचार था, यही तो शास्त्र थे जो कहते थे समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के जीने की बात बताते थे।
पूज्य बापू ने उसे भली भांति दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था और इसलिए उन्हीं विचारों को अगर आज दुनिया के सामने पूरी मुखरता के साथ अगर हम प्रस्तुत कर सकते हैं तो विश्व जिसलिए रास्ते की तलाश में है, खोज रहे हैं कि कैसे बाहर निकले, गांधी की उंगली पकड़ने से विश्व इस संकट से बाहर निकल सकता है। इतने बड़े महामानव जो आज भी मानव जात के लिए प्रेरणा है, उनके हर बात प्रेरक है, उनको मैं आदर पूर्वक अंजलि देता हूँ, नमन करता हूँ और उनके विचारों से हम देश देश को दुनिया को आगे बढ़ाए, यही ईश्वर हमें शक्ति दे। जय जय गरीब गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात।